जो मरने से नहीं डरता, हम उन्हीं का खून है जिन्होंने देश को आजाद कराया। जब एक साल गया तो और 10 दिन सही। हमारे बॉर्डर पर कोई खुशी है? हमने अपने सारे साथियों को खोया है। ये सरकार इस टाइम दबी हुई है वोट चाहिए से, इसे जनता से प्यार नहीं है, इन्हें वोटों से प्यार है। देखिए वो नेता है, पर हम तो ये अपनी ओर से ये राह देते हैं। इस सरकार का भरोसा तो कोई है नहीं, क्योंकि इन्होंने झूठ ही झूठ बोला है, कोई सच्चाई इनके पास है नहीं। जब तक लिखित पूरा नहीं हो जाए काम, जब तक चाहे हमको 10 दिन और लग जाए यहाँ, जब एक साल गया तो और 10 दिन सही, पूरा अपना काम करके जाएंगे। बार बार ऐसा मेला नहीं लगता। ये कितने टेंट टूट गए, उड़ गए और परेशानी झेली है, तो इस परेशानी के लिए हम अपना पूरा काम करके जाएंगे यहाँ से। और जो ट्रैक्टर हमारे दिल्ली में 150 है, उनका तो जिक्र ही नहीं है। अभी 160 ट्रैक्टर है, उन भाइयों का एक साल से ट्रैक्टर खड़े, उनका क्या होगा? लखीमपुर खीरी का जो दोषी है, इन्होंने कोर्ट से निकाल लिया है, हमारी नजरों से तो नहीं निकलेगा, उसको बर्खास्त किया जाए, ये मांग है हमारी। अरे हम कहते हैं जो दोषी है उसका घर फोड़ देती होगी सरकार, क्यों नहीं फोड़ते उसका घर? जो ये कह रहा है उसका वीडियो वायरल हो गया है, कहते मैं पुरानी बातों को याद करिए, मैं कौन हूँ, आपको इस जिले में नहीं रहने दूंगा। हमारे सरदार भाइयों के लिए कहा था, ऐसे आदमी अगर देश की कुर्सी पे बैठेंगे तो देश का भला क्या होगा। ये देश, आप कह रहे हो कि यहाँ से हम लोग खाली नहीं हो रहे हैं, लेकिन अभी कुछ समय पहले मैं खबर देख रहा था, उसमें देख रहा था कि किसान आंदोलन में जो कुंडली बॉर्डर है और सिंधु बॉर्डर, वहां से लोग चलना शुरू हो गए, और आप लोग कह रहे हैं कि आप अभी भी यहाँ पे बैठे हैं, क्या लग रहा है? देखिए भाई जी, जो खुशी मनाए वो मनाइए, मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ हमारे बॉर्डर पर कोई खुशी है? हमने अपने सारे साथियों को खोया है, हमने एक साल यहाँ संघर्ष किया है, खुशी किस बात की? वो जो साथी हमारे चले गए वो हमको मिल जाएंगे? नहीं, खुशी की बात नहीं। यहाँ पे मैंने कहा कि सिंघु बॉर्डर पर और कुंडली बॉर्डर से लोग घर जाने को तैयार हो चुके हैं, उसके बारे में अभी कोई नहीं जाएगा कहीं, ये ऐलान हो गया रात भी। एक हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष है, उसने ये कह दिया जब तक हमारी मांग लिखित में और हम पूरी तरह हम अस्वस्थ नहीं हो जाएंगे, हमको पूरा भरोसा सरकार नहीं दिलाएगी जब तक बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे। संसद में माहौल गर्मा तो रहा है, संसद में चर्चाएं हो रही है, तमाम चीजों को हमने 19 नवंबर को भी देखा कि जब तीन काले कानून वापस हो गए, लेकिन लगातार संसद का जो माहौल है उस तरह का बनाया जा रहा है, क्या लग रहा है सरकार इस पर कोई कड़ा फैसला लेगी? भाई देखिए, हमने तो कह दी कड़ा फैसला हमारा यही है, एक जो हमारे 6 मांग दी थी पहले तो उन पर वो पूरी हो, फिर ट्रैक्टरों वाली मांग पूरी हो, कि जिस भाई का 150 ट्रैक्टर से ज्यादा इस दिल्ली में खड़ा है एक साल से, वो नया मिले। जब हमारे टिकैत साहब ने कहा कांग्रेस के राज में नए ट्रैक्टर मिले, आप क्यों नहीं दे सकते किसानों को, जो एक साल से उनके ट्रैक्टर हवा निकल गई, टायर गिर गए? तो ये सारी बात हमारी पूरी नहीं हो जाएंगी जब तक हम बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे। योगेंद्र यादव का बयान आ रहा है, वो कह रहा है निर्णायक क्षण है, लगातार इन चीजों पे वो भी पहले भी बात कर रहे हैं, योगेंद्र यादव का बयान आता है, वो किसान नेता है, वो इस तरह का बयान करते हैं कि निर्णायक क्षण, क्या लग रहा है फैसला, घड़ी की उम्मीद है फैसला आ सकता है? ये कई दिन से हो रहा है जी, पर ये सरकार ऐसी है, अरे मेरे में सुनिए, नींबू दबा रस देता है। ये सरकार इस टाइम दबी हुई है वोट चाहिए इसे, इसे जनता से प्यार नहीं है, इन्हें वोटों से प्यार है। तो हम अपनी बात को अधूरे छोड़ के कैसे जाएंगे? ये है हमारा काम, करिए पहले, हम यहाँ से चले जाएंगे, बॉर्डर खाली कर देंगे, हमें कोई रहने का शौक तो रही, हमें वो झोपड़ी अपनी दिखते वही प्यारी लगती है, हमें अपना खेत प्यारा लगता है। पर पहले तो ये कहते थे किसान ही नहीं है, ये तो मुट्ठी भर है, आज इन्होंने ये तो समझ लिया कि हिंदुस्तान का असली किसान है जो मरने से नहीं डरता, हम उन्हीं का खून है जिन्होंने देश को आजाद कराया। आज भी ये देश की दूसरी आजादी की लड़ाई है और इसे हम जीत कर ही घर जाएंगे। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।